कर रहे हैं DGISPR की, जिनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, और उन्होंने ये कहा कि कश्मीर ना तो कभी अटूट अंग था ना होगा भारत का। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी हम घर तक जाके मार कर आएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी, और इस किस्म की कई चीजें जो उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अब वैसे तो उनकी आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये थी जिसमें वो बता रहे थे कि जी पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाकी आधी उन्होंने आई डोंट नो क्यों लेकिन इंडिया के ऊपर की थी। क्या कहेंगी आप? पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी, आप तो ये चुन चुन कर लाते कहां से? ये मतलब क्या ये खास, मतलब ये क्या, मतलब आई डोंट यूज द वर्ड ब्रीड, बट ये मतलब ये ऐसे स्पेशल लोग आप कहां से लेके आते? मतलब ये हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या साहब ने? जो आपके DGISPR ने हिस्ट्री पढ़ी, इन्होंने नहीं पढ़ी? अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, तो ये हिस्ट्री नहीं पढ़ते? पढ़ाते नहीं वहां पे जनरल्स को हिस्ट्री? मैं पूछ पता रही नहीं थी ना कि पढ़ाते ही आप, होंगे, आई थिंक पढ़ाना तो चाहिए, पढ़ाते होंगे। या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो जो 1971 का आउच मोमेंट है उसके बाद आपके जनरल्स जो है वो पढ़ना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आप जब इंटरव्यू करें उनका, एंड आई एम श्योर वन डे यू वुड, तो आप उनको बोले कि मेरी एक इंडियन जर्नलिस्ट फ्रेंड है, नहीं तो आप मेरी बात करा दें उनसे, उनसे कहें कि एक तो ऑफर है आपके लिए इंडिया से, वो मेरी जो फ्रेंड है वो कह रही है कि वो आपको हिस्ट्री लेसन देने के लिए तैयार, एकदम मुफ्त और ऑनलाइन दे दूंगी, इंडिया भी नहीं आना, हमको वीजा भी नहीं लगना है, वो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले ले, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, मैं ऐसे उनको ऑनलाइन फ्री, एक पैसा नहीं लूंगी। तो वो मैं उन इतनी सर्विस पाकिस्तान को हिस्ट्री क्लास की आपके DGISPR को देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि फिर उनकी इस तरह से इंसल्ट नहीं होगी। क्योंकि पहले तो वो ये भी जाने हैं कि वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी भारत का ही था, पहले तो वो ये जान ले, उनको शायद नहीं पता होगा। तो ये उनको कोई बताता वहां पे, अगर प्रेशर में कोई होता तो आई एम श्योर जिसने खुद थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी होती तो उनको बता देता कि कश्मीर पे तो जनाब आप बाद में जाए, या तो पाकिस्तान ही भारत का था तो 47 हम अलग हुए, और उससे पहले उनसे पूछ लें कि इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री कितनी है, 5000 ईयर्स की इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और क्या बातें करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि अब आपकी फौज के पास, प्लीज मुझे गलत ना लें, लेकिन इतनी जंग हारने के बाद, टुकड़े करा लेने के बाद, और ये देखने के बाद और जानने और समझने के बाद कि इंडिया का जो कद है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है, और इंडिया अब जो गवर्नमेंट है वो बात करती है POK की, वो बात करती है गिलगित बाल्टिस्तान की, तो कुछ नहीं, अगर मुमकिन है तो सिर्फ शियर 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 रिटोरिक बोलो, बड़ी बड़ी बातें फेंको। और मुझे ये लगता है अर्जु, आप मुझे दुरुस्त कर दें अगर मैं गलत कह रही हूँ, आपके यहाँ इकोनॉमी डाउन है, आपके यहाँ पर जो जो सोसाइटी हम वो रोटी के लिए लाइने और जो ये ग्रेन्स होते हैं इनकी कमी को लेके तरह तरह के रिपोर्ट्स देखते पढ़ते सुनते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं उनको बुरे सपने आते हैं, वो कहते हैं मैं तो जब फोन करता हूं तो मुझे लगता है कि सामने वाला यही सोचता है कि मैं तो बस अब कटोरा लेके पैसे मांगने पहुंचा हूं। तो जब ऐसे DGISPR इस तरह की, और ये मतलब रिटोरिक, और मैं इसको रिटोरिक भी नहीं कहूंगी, जो फालतू बातें करते हैं, तो सिर्फ ये लगता है कि वो अपने वजूद को, पाकिस्तानी फौज के वजूद को अपनी आवाम में कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। दिस इज वॉट आई पर्सनली फील। लेकिन इनसे पहले जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं बाजवा साहब, उन्होंने तो कहा था कि हम चाहते हैं कि टर्म्स बेहतर हों और एक साइड पर 10 साल के लिए रख दिया जाए कश्मीर को। इसके अलावा भी रिसेंटली भी आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ मीडिया को फॉलो करती होंगी पाकिस्तान के, हामिद मीर साहब जो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, वो और नसीम जायरा, उनका एक क्लिप बड़ा चल रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने कहा कि हम अभी जंग नहीं लड़ सकते, अभी हमारे पास फ्यूल नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस किस्म की बात उन्होंने की कि इसलिए हम जो है टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो ये दो तरह की बातें आपके ख्याल से क्यों चल रही हैं? एक तरफ कुछ और कहते हैं पहले के आर्मी चीफ के बारे में, और इस वक्त DGISPR बिल्कुल ही अलग बात कर रहे हैं। मुझे ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता, देखें कि किसी भी कंट्री का जो बेसिक नेचर है आप वो बदल सकते हैं। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट योर कंट्री, बट दिस इज व्हाट आई फील एज एन इंडियन, एंड दैट इज व्हाट, और वही इतिहास कहता है अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें कि जब शांति की बात की जाती है, अमन चैन की बात की जाती है, तो मुझे याद है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत गाली घर पर पड़ी थी,
ये चले गए थे नवाज शरीफ के यहाँ पर, आपके प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद काफी क्रिटिसिज्म हमने देखा है, हर बार जब इस तरह की बातें होती हैं तो लोग कहते हैं कि आप क्यों चले गए थे, ये प्रधानमंत्री वहां पर क्यों गए थे। तो इंडिया ने तो अभी नहीं, वाजपेयी साहब के टाइम पे आरजू आप जानती हैं कि इंडिया ने कितनी कोशिशें की हैं। इंडिया को सिर्फ एक शिकायत है, उससे पहले आप इतिहास पटा पड़ा है, लेकिन मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, मैं पिछले 5-6 साल की बात आपसे करना चाहती हूँ। आप अभी आपने जिक्र किया कि 10 साल एक देश रख ले, 10 साल एक देश रख ले, भाई आप कैसे रख ले? जो चीज आपकी है नहीं आप कैसे रख ले? आपने तो उस पर कब्जा किया नहीं, हुआ है। अच्छा, 1 साल रख ही ले, मतलब उस इश्यू को साइड पे कर दें 10 साल के लिए, इशू उस को इश्यू साइड को पे रख टच ना ले, करें। हाँ इशू को टच ना करें, लेकिन पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा उसी इशू के इर्द गिर्द घूमता है ना आरजू। पाकिस्तान, आप अपनी पॉलिटिक्स को देखें, अपनी फौज के वजूद को देखें, तो अगर मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान की फौज का कंपैरिजन करूं, तो कंपैरिजन नॉट इन द सेंस ऑफ कि दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन वजूद एग्जिस्टेंस पे बात करूं और दोनों की दखलंदाजी की बात करूं, तो आपकी फौज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बहुत खराब है। आपके मुल्क के लिहाज से भी मैं कह रही हूँ, आपके यहाँ पर ना उन्होंने डेमोक्रेसी को पनपने दिया, आपके यहाँ पर ना लीडरशिप को पनपने दिया। इमरान खान रोज बाजवा पर निशाना साधते रहते हैं, इंडिया नहीं कह रहा, ये सब बातें तो आपके अपने मुल्क के भीतर होती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये एक मुझे लगता है जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो आप एक तरफ बात करने लगते हैं कि आप बातचीत करेंगे, बातचीत की बात, और फिर दूसरी तरफ होता है घात। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, आपके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया आएंगे FCO समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपने भी शो किया था उसके ऊपर, तो जी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही घंटों में क्या हुआ? आप अटैक कर बिल्कुल देंगे, टेररिस्ट अटैक करेंगे, और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं इंडिया आए और हमसे कहा जी आइए आइए ये बातचीत की टेबल पर आइए। तो कोई समझना पड़ेगा कि अगर आप हमला करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे ना। लेकिन उसमें स्टेट इन्वॉल्व है ये तो अभी तक साबित नहीं हुआ। वो तो एक अलग एक ग्रुप किसी का कहा जा रहा है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हाँ जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठा ली है, लेकिन ये कि उसमें पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है ये चीज तो अभी सामने नहीं आई है, तो इसलिए उसके ऊपर तो बात की जा सकती है या नहीं, आपको लगता है नहीं हो सकती बात? देखिए आरजू, जब तक टेररिज्म की बात होगी, ये कहना बहुत, मतलब मुझे लगता है अगर मैं ये कहने लगूं कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई एलिमेंट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, दे कैन कैरी आउट एन अटैक ऑन इंडिया और इन इंडिया, आई रियली डोंट बाय दैट, आई डोंट बिलीव दैट। और खास तौर पे ये देखते हुए भी कि जिस तरह की हम लोगों की हिस्ट्री रही है, और हिस्ट्री में बहुत सारी लर्निंग्स और सबक होते हैं। क्या ये किसी से छिपा है? आपके यहाँ पर किस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं, इंडिया जब से इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली है, क्या किसी से छिपा है कि पाकिस्तान लगातार बार बार एक ही राग अलाप रहा है 2019, 5 अगस्त 2019 के बाद से? आपके तमाम, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आपके दूसरे लीडरशिप हो, या फिर आपकी फौज हो, बस जीनोसाइड जीनोसाइड हो जाएगा, इंडिया जीनोसाइड कर रहा है, जीनोसाइड कर रहा है। तो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, और ये तो कोई बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना, आपकी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट के बिना भारत में कोई आपके यहाँ पर बैठे हुए एलिमेंट्स अटैक को अंजाम दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही, मतलब ऐसे होगा कि आप हम डिनायल में चले जाएं। ये मैं हम अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान कैन बी अ स्टेट इन डिनायल, बट वी आर नॉट, वी आर वेरी अपफ्रंट एंड वी सी थिंग्स एज दे आर। सो दैट इज व्हाट आई वुड से। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें ये ना पसंद हो कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो इंडिया जाएं और इंडिया के साथ किसी किस्म की बातचीत हो। वैसे तो जिस किस्म के स्टेटमेंट उन्होंने पहले दिए थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में हो या फिर डॉक्टर जयशंकर के बारे में, उसके ऊपर तो खैर इंडिया इंडिया के अलावा पाकिस्तान में भी लोगों ने उनको काफी कुछ कहा कि गलत कहा है उन्होंने, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग रोकने की कोशिश तो कर ही रहे होंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो भी एक रीजन हो सकता है? लेकिन आरजू आप मुझे एक बहुत बेसिक सी बात बताएं ना, बात और घात दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना, गोली और बोली दोनों साथ नहीं हो सकते ना। अगर आपके घर में कोई बैठा है और वो मेरे घर पे पत्थर फेंक रहा है या मेरे घर पे गोली चला रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकती ना कि आरजू काजमी को नहीं पता कि मेरे घर पर गोली चलाने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। आपके घर में वो बैठा है, आपकी उसे लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी उसे लेके अकाउंटेबिलिटी भी है, आपकी उसे लेके जवाबदेही है,
और आप उस जवाबदेही से ये कह के पल्ला नहीं, नहीं मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ से हो गया, नहीं ये लोग चाहते नहीं हम बात करें, तो फिर तो आप मुझसे ये भी कह रहे हैं कि आप बात मेरे से कर रहे हैं, मैं आपसे बात क्या करूं फिर? अगर आप मेरे घर पे गोली चलाने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर मैं फॉर अ सेकेंड आई बिलीव यू आप नहीं कंट्रोल कर सकती कि जो मेरे घर पे पत्थर फेंकता है रोज आकर, रोज गोली चला रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर मैं आपसे क्या बात करूं, फिर मैं उस गोली चलाने वाले का हिसाब करूं? लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जरूर स्ट्रिक्टली काम होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के नाम से यानी हिस्ट्री कहते ही हमें एक शख्स जहन में आते हैं और वो है तारिक फतेह। और तारिक फतेह साहब का आप जानती हैं कि एक दो दिन पहले जिस तरीके से मतलब उनकी डेथ हुई है, और कैंसर के पेशेंट थे वो। लेकिन बहरहाल मैं तो ये समझती हूँ कि हमेशा वो हमारे साथ रहेंगे, उनकी कही भी बातें, उनकी बुक्स और सब कुछ। आपके साथ भी बहुत शोज किए हैं तारिक साहब ने, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आरजू आई रियली प्रे टू गॉड दैट ही रेस्ट इन पीस। और दूसरा मैंने उनकी बेटी नताशा है, नताशा फतेह, उन्हें भी जो मैसेज किया था उसमें यही लिखा था कि तारिक साहब हैज जस्ट मार्च्ड ऑन। लेकिन वो जो उनके आप भी मेरे कई शोज मेरे जिसमें तारिक साहब एज अ गेस्ट रहे, तो मेरे लिए तारिक साहब की मेमोरी जो है वो है उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, और पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली एक शख्सियत जिसे किसी तरह का प्रोपेगेंडा और लाइज जो है वो बरगला नहीं पाए। तो ही मेरे लिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ही वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो वो शख्सियत, और बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स होते थे। अभी भी मैं अपने शोज के बारे में सोचती हूँ उनके साथ, और मुझे मैं शायद उन कुछ लोगों में से होगी जिन्हें उनकी बीमारी के बारे में सबसे पहले पता चला। और वो पता भी कैसे चला कि एक कोइंसिडेंस था कि उनके फोन से मुझे एक बार कॉल आया, सुबह के कोई 4:30 बजे का वक्त था, खैर मैं सो रही थी उस वक्त। तो फिर जब मैं उठी तो मैंने कहा तारिक साहब ने फोन किया है मुझे, तो मैंने उन्हें पलट के कॉल बैक किया फिर उनके टाइम पे जब उनके यहाँ सुबह हो जाए, वेटेड। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा तारिक साहब आपने फोन किया, तो बोले कि नहीं मैंने तो फोन नहीं किया। तो मैंने बोला नहीं आपका तो मिस्ड कॉल आया हुआ है मुझे दैट टू ISD। तो वो बोले कि अरे नहीं वो गलती से हो गया होगा। तो वो मुझे हमेशा आदित्य बुलाते थे, आदिति नहीं आदित्य। तो बोले कि आदित्य गलती से हुआ होगा शायद। तो मैंने कहा और आप कैसे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी प्रॉब्लम्स हैं। एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट हिज स्ट्रगल्स और जो चैलेंजेस चुनौतियां उनके सामने आ रही थी और जो उनको प्रॉब्लम थी। और आज मुझे एक, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन मुझे एक बात का ये सुकून है कि बीते कुछ महीनों में मेरा जो उनसे पर्सनल जो रिश्ता होता है वो थोड़ा ज्यादा हुआ। क्योंकि मैं उन्हें हमेशा बोलती थी कि अगर आपको कभी जरूरत हो तो नताशा ना हो तो यू कैन कॉल मी, आई हैव एलिंग पेरेंट्स एट होम सो आई नो हाउ आवर डॉटर फील्स एंड ऑल। वो हमारे बीच उस तरह के इंटरेक्शंस हुए, पर्सनल लेवल पर काफी हुए। तो मैं इस बात को लेके मैं थोड़ा सा सुकून है कि वो चले गए हैं, लेकिन उनकी मेमोरीज हैं, उनकी वो जो शख्सियत और जो बातें, जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आरजू आपने भी महसूस किया होगा, एकदम धारदार और कई बार बहुत ही टेंस डिबेट हो रहा है, और वो आते थे और ट्रैक करते थे, उसके बाद एवरीबॉडी वुड स्टार्ट लाफिंग। हाँ वो बात और है कि आपके यहाँ बड़े सारे गेस्ट थे जो ने गद्दार और विलेन और पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, बट फॉर अस ही वुड ऑलवेज बी अ हीरो, सन ऑफ पंजाब। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन पाकिस्तान में जो है अगर किसी को गद्दार का टाइटल ना मिले तो फिर हम उसमें शक करते हैं कि इसका मतलब है ये काम ठीक नहीं करा, इसलिए कि सभी को मिल चुका है मुझ समेत, तो इसलिए वो हम लोग उसको फिर बड़ा प्राउडली हम उसे लेते हैं, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मुझे एक छोटी सी बात और बतानी है, आपने जो भी बोला ना कि हम इस टाइटल को बहुत ही प्राउडली वेयर करते हैं, तो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है तारिक साहब से जुड़ी हुई क्योंकि उसी लाइन से कनेक्टेड है। आई टेक जस्ट वन मिनट। तारिक साहब को किसी ने बताया कि कुछ लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं और मेरे खिलाफ, ये लास्ट ईयर की बात है, वो मैंने उनका वो मैसेज बड़ा संभाल के रखा हुआ है। तो किसी ने बताया मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो हो सकता है मेरे खिलाफ FIR हो। तो उनका मुझे मैसेज आया कि मैंने सुना कि ऐसा हो रहा है, लेकिन